सभी सनातन धर्मियों को, हिंदू जनमानस को, लोगों को सादर प्रणाम। आज श्री राम जी के एक तरह से भक्त कहिए या एक युवा समाज सेवी कहिए, मैं कुलदीप पांडे एक ऐसे विशेष मुद्दे में मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। और मेरी एक प्रतिक्रिया है, जो आदि पुरुष जो फिल्म आई है, हमारे आराध्य देव श्री राम जी पे जो आधारित जो फिल्म बनाई गई है, उसका पहले तो पूर्ण रूप से मैं बाइकॉट करता हूँ, बहिष्कार करता हूँ। लेकिन बहुत है, कारण बहुत है, अगर गिनती किया जाए तो वो भी कम है। जिस प्रकार से इस फिल्म में जो है चरित्र चित्रण किया गया है, चाहे डायलॉग का यूज किया गया, संवाद का यूज किया गया, चाहे उनके जो गेटअप किया गया है, ये काफ़ी निंदनीय है, शर्मनाक है। क्योंकि हमारे समाज में अगर कहा जाए कुर्तियों को पनपने का काम अगर किया जा रहा है तो इसी के द्वारा किया जाए। मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से पहले के जो रामायण बने थे रामानंद सागर जी द्वारा निर्मित, जो है अरुण गोविंद जी उसके कलाकार थे, रामावतार के थे, उससे काफ़ी हटके इतना भी आधुनिकता जो है डायरेक्टर को अपने मन में जो नहीं लेना चाहिए, चाहे जो भी कलाकार हैं, इस तरह के फिल्में जो है हमारे समाज में जो है नकारात्मक संदेश दे रहे हैं। जो आने वाली हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, जो हमारे बाल बच्चे हैं, अगर सपोज दैट अगर मान लीजिए अगर वो अपने परिवार के साथ थिएटर में या अपने घर पे अगर इस फिल्म को देखते हैं तो क्या समझेंगे? जो अरुण गोविंद जी राम बने थे वो राम जी हैं या इस तरह के जो राम है ये वेशभूषा अच्छा है? अगर सनातन धर्म पे इस तरह के अगर ठेस अगर इस तरह के जो फिल्में पहुंचा रही हैं तो ये घोर निंदनीय है, इसका बहिष्कार होना चाहिए। सभी सनातन धर्मी, सभी हिंदू जनमानस के लोग या सभी सावसव प्रवासी, मैं सबसे जो अभिनव आग्रह करता हूँ कि इस फिल्म का जो पूर्ण से बहिष्कार हो। एक भारत का कुशल नागरिक होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते, क्योंकि हम लोग समाज के ऐसे पहलू हैं, अगर हम लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे विशेष रूप से तो आने वाला समय जो है एक नकारात्मक दिशा की तरफ चला जाएगा। फिल्म को देखने के बाद काफी तारीफ की है। देखिए, हम ऐसा नहीं कह रहे कि रामायण के तहत ही ये भी आदि पुरुष बनाए गए। हम भी दो महीने पूर्व बहुत उत्साहित थे, 10 दिन पहले भी उत्साहित थे, लेकिन जिस तरह इसमें पात्रों का रोल हुआ, जिस तरह इसमें संवाद किया जा रहा है, ये टपोरियों वाला संवाद है। इस तरह जो है रामा अवतार में या जितने भी आज चाहे सीरियल भी बन रहा है, इस तरह का युग नहीं हुआ है। अगर देखा जाए विश्व हिंदू महासंघ जी, उसने तो लोगों से अपील किया है कि भाई ज्यादा से ज्यादा पिक्चर देखें, इसके अतिरिक्त टैक्स फ्री करने की बात मांग रहे, क्या उनको कमियां नहीं दिख रही? बिल्कुल, अगर देखिए हम राम को ही पूजते हैं, राम को ही मानते हैं, रामायण को भी देखते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, लेकिन जो कलाकार है, जो उसके निर्देशक निर्माता है, मेरी बिल्कुल जो है उनका विरोध है। फिल्म का नाम से, फिल्म के काम से, लेकिन जो उन्होंने ये प्रयोग किया है, चाहे एफएक्स के माध्यम से, चाहे जो उनकी लैंग्वेज है, खास पहनावा श्री राम जी भगवा पहनते हैं, भगवा धारण करते हैं, उसमें कहीं भगवा का यूज हुआ है, कहीं नहीं यूज हुआ है। साथ ही साथ मेरे कहने का तात्पर्य है कि रावण का रोल आप देखिए, रावण लंका का राजा था, लंकेश था, उनका लंका सोने का था, सोने का लंका, और कहीं भी सोने का लंका दिखा, एक जो है कोयले की खान की तरह दिखाया गया, एक तरह से अंधेरा जो जगह दिखाया गया, उसमें जो है अजगर से जो मारिश, ये कहीं भी हम रामायण में आता नहीं देखने को मिला, ना पढ़ने को मिला। साथ ही साथ मेघनाथ का आप सीन देखें, वो भी देखें टैटू की तरह से बना हुआ है। कुल मिला जो ओवरऑल देखा जाए तो यह जो है नकारात्मक दिशा में ले जाने का कार्य यह फिल्म कर रही है। हम राम जी के भाई भक्त हैं, रामायण के भी भक्त हैं, इस फिल्म को भी हम मानते हैं, लेकिन जो इसमें दिखाया गया ये पूर्ण रूप से गलत है। अगर संशोधन करते हैं तो आने वाले समय में देखा जा सकता है। नहीं तो फिल्म निर्माता का ये मानना है कि जो भी इसमें गलत भाषाओं का प्रयोग हुआ है या जो कलाकार हैं, जो उनका एक्शन सही नहीं हुआ है, उसको उसमें से निकालेंगे और नए सिरे से इस फिल्म को फिर रिलीज किया जाएगा। आप ये बताइए, पहले गलती कर दिए, लगभग करोड़ों लोग इस फिल्म को देख लिए, उससे मन उनका हताश हो गया, उसके बाद अब करने में क्या फायदा, अब क्या जाएगा? इसके पूर्व भी जब शुरू में स्टार्टिंग में लगभग 3-4 महीने पहले भी कुछ ऐसे कुछ इनके विजुअल आए थे, तो उसमें राम जी तिलक नहीं लगाए थे, कुछ ऐसे ऐसे सीन आए थे जिसपे पहले ही प्रतिबंध लगाने की बात हुई थी, लेकिन फिर भी ये लोग अमर्यादित तरीके से फिर भी उसको लॉन्च कर दिए। उन लोगों को नहीं पता है कि आज के समय में इस तरह की मूवियां जो है क्या होगा, अगर यही बनाता तो उनको हॉलीवुड एक फिल्म बना दी होती। आदि पुरुष जो है राम जी के नाम पे बनाने की क्या जरूरत थी? किसी तरह से दिख रहा कि ये रामायण का सीन है। ये बताइए, राम एक चीज और सुनिए, रावण के इतने सेना थे, सब लोग जानते हैं, काफी ना विद्वान है, प्रकांड विद्वान थे, लेकिन इसमें क्या कहीं सैनिक दिख रहा है? चमगादड़ के साथ लड़ाई कर रहा, चमगादड़ उनका सैनिक है, वो पुष्प विमान में चलते हैं, वो चमगादड़ में बैठ के नहीं, तो ये मूवी जो रिलीज हुई है कार्टून पैटर्न पे ही रिलीज हुई है, लेकिन संदेश क्या जा रहा है?
ये फिल्म तो आदि पुरुष और राम जी हनुमान जी सीता जी को दिखाने का तो क्या मतलब है, लोग क्या समझेंगे आने वाले समय में? अगर आप कार्टून पैटर्न देना तो किसी अदर एपिक्स को लेकर जोड़ लीजिए, किसी अदर कहानी को लेकर जोड़ लीजिए, आप ये आस्था के केंद्र पर खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? तो लास्ट तौर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहूंगा कि अगर इसमें पूर्ण से संशोधन नहीं होता, जितने भी डायलॉग्स हैं, जितने भी पात्र का अगर गेटअप सही चेंज नहीं किया था, तो इसका पूर्ण से बहिष्कार होना चाहिए। अगर संशोधन करके अगर ये फिर दोबारा चलाते हैं, अगर पसंद आएगा तो मैं बिल्कुल मैं पुनः जो है सबसे प्रयास करूंगा कि एक नहीं दो नहीं लाखों करोड़ों की संख्या में लोग जाएं और इस फिल्म को जो है सपोर्ट करें, लेकिन वर्तमान में अब इसका बहिष्कार पूर्ण से होना चाहिए। वॉचिंग दिस वीडियो, टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट